Hello class, today we will do chapter 7, Weather, Climate and Adaptation. So, in this chapter, we are going to learn about weather and climate. Analyze weather data. Describe some examples of how organisms are adapted to their environment. And explain why organisms succeed best in their own natural environments. So let's start with the chapter, and the first topic is weather. It is on page number 75. So let's start with weather. If you have to leave for school on a cold morning, you wear your winter uniform, which includes a woolen sweater and a coat. If you have to go out for shopping on a hot and humid day, you wear light colored cotton clothes, which will keep you cool. जैसे सर्दियाँ आप शुरू हो गई हैं तो सुबह के टाइम आप स्वेटर पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, आप कैप भी लगाते हैं. क्यों लगाते हैं? क्योंकि ठंड है, ठंडी लगती है, सर्दी लगती है. गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, धूप निकल रही होती है, तो आप हल्के कलर के कॉटन के कपड़े पहनकर निकलते हैं, जिससे आपको ठंडक महसूस हो. वेदर चेंजेस ऑलमोस्ट एवरी डे. इट मे चेंज इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे. इट मे रेन फॉर अ फ्यू आवर्स इन द मॉर्निंग एंड देन बिकम सनी. तो देखो, अगर हम वेदर की बात करें तो वेदर है जो हर समय चेंज होता रहता है, हर टाइम पे चेंज होता रहता है. एक दिन में भी कई बार वेदर चेंज हो जाता है. जैसे भाई सुबह के टाइम ठंडी ज़्यादा होगी, गर्मी कम होगी, दोपहर आते आते गर्मी बढ़ जाएगी, शाम होते होते दोबारा ठंड होना शुरू हो जाएगी और रात को ठंडक हो जाती है. ओके, तो देखो वेदर कितनी बार चेंज हुआ. अब जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, बारिश हुई, कुछ घंटों के लिए बारिश होगी, उसके बाद बारिश रुक जाएगी और वो सनी डे हो जाएगा, यानी कि हो सकता है सूरज भी निकल आए. द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ एनी प्लेस अकर्स इन द आफ्टरनून एंड द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स इन द अर्ली मॉर्निंग. द सनराइज एंड सनसेट टाइमिंग्स आर ऑल्सो डिफरेंट थ्रू आउट द ईयर. इसके अलावा पूरे साल में सूरज के निकलने का और डूबने का भी टाइम अलग अलग होता है. वी वॉच द वेदर रिपोर्ट ड्यूरिंग द टेलीविजन न्यूज. When you open the newspaper in the morning, you get a fair idea of what the weather of the day will be like. अब इसके लिए आप जाइए अपने घर में, newspaper उठाइए और उस पर देखिएगा, आपको दिया होगा temperature कि आज की तारीख ये है, maximum यानी सबसे ज़्यादा गर्मी इतने degree तक हो सकती है, इतना गर्म हो सकता है, और ठंडक इतने degree celsius तक हो सकती है. जैसे कि देखिए एक ये newspaper की report दी हुई है, weather report. तो मिनिमम टेम्परेचर कम रहेगा 25.8 डिग्री सेल्सियस, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा 31.1 डिग्री सेल्सियस तक. फिर ह्यूमिडिटी दी हुई है, सनराइज़ होगा 5:55 AM पर और सनसेट होगा 6:55 PM पर. तो इस टाइप से आपको डाटा दिया हुआ होता है न्यूज़पेपर में. अब आप ये एक्टिविटी आपके लिए दी हुई है. इस एक्टिविटी में आपको ये रिपोर्ट वन एंड रिपोर्ट टू, ये आप ऐसा करिएगा कि दो न्यूज़पेपर्स लीजिएगा, आज का और कल का. इसमें आज की सारी इन्फॉर्मेशन फिल करिएगा और इसमें कल की इन्फॉर्मेशन फिल करिएगा और देखिएगा कि दोनों इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से अलग होंगी. वेदर इंक्लूड्स डेली चेंजेस इन प्रेसिपिटेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड कंडीशंस एट अ गिवन प्लेस. तो वेदर होती है जो चेंज होता रहता है, डेली बेसिस पे चेंज होता है, पीरियोडिक बेसिस पे चेंज होता है, थोड़े थोड़े टाइम बाद उसमें चेंजेस होते रहते हैं. ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, कम हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, कम हो जाता है. वेदर एक्सपर्ट्स यूज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड डाटा फ्रॉम द अर्थ स्टेशन एंड सैटेलाइट्स टू प्रिडिक्ट द वेदर. दिस इज़ नोन एज वेदर फोरकास्टिंग. अब वेदर फोरकास्टिंग क्या होता है? वेदर फोरकास्टिंग होता है जब जो वेदर एक्सपर्ट्स होते हैं, जो लोग होते हैं जो इन वेदर को, वेदर फिनोमिना को स्टडी करते हैं और बताते हैं कि कितना कम टेम्परेचर हो सकता है, कितना टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, तो जो वो प्रिडिक्ट करते हैं, जो वो भविष्यवाणी करते हैं कि हाँ भाई इतना टेम्परेचर हो सकता है और इतना टेम्परेचर नहीं हो सकता, आज बारिश हो सकती है, आज सूरज चमकेगा, तो कभी होगा कि आज ठंड बहुत ज़्यादा होगी, सूरज नहीं निकलेगा. तो इस टाइप की जितनी भी ये इंफॉर्मेशन जो हमें दी जाती है, इसको हम बोलते हैं वेदर फोरकास्टिंग. द वेदर फोरकास्ट दैट हेल्प यू प्लान एक्टिविटीज फॉर दिस वीक वॉज प्रोबेबली मेड बाय अ मीटियोरोलॉजिस्ट. अ मीटियोरोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज द वेदर. और ये जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं, इनको जो पढ़ते हैं उनको हम बोलते हैं मीटियोरोलॉजिस्ट. द वेदर अफेक्ट्स आर lives every day.
इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द टाइप ऑफ क्लोथिंग वी वियर एंड द वे वी स्पेंड आवर फ्री टाइम. तो देखो, मौसम का बहुत असर पड़ता है हमारी लाइफ पे. हम क्या पहनते हैं, कैसे पहनते हैं. ठंडी जगह पर हैं तो वुलन कपड़े पहनेंगे, गर्म जगह पर हैं तो कॉटन के कपड़े पहनेंगे. तो और हम किस समय पे बाहर जा सकते हैं, भाई बारिश होगी, जिसको बारिश पसंद है वो बारिश में बाहर जाएगा, जिसको बारिश पसंद नहीं है वो वेट करेगा कि बारिश बंद हो और वो बाहर जाए. तो देखो, मौसम ने कितने तरीके से हम पर असर डाला. फॉर एग्जाम्पल, स्नो कॉजेज हैजार्डस ड्राइविंग कंडीशंस, थिक फॉग स्लोज डाउन रोड ट्रैफिक एंड कॉजेज डिलेज एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स. जब ठंड होती है, कोहरा होता है, ट्रेनें लेट हो जाती हैं, बसेज लेट हो जाती हैं, ठीक है, जो एयरक्राफ्ट होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, जो एयर फ्लाइट्स होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं. वेदर ऑल्सो अफेक्ट्स एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्री. नाउ व्हाट कॉजेज चेंजेस इन वेदर. अब हमने ये तो देख लिया कि मौसम चेंज होता रहता है, हर समय कुछ ना कुछ हमारे मौसम में बदलाव होते रहते हैं. पर होते क्यों हैं. द अर्थ वेदर इज ड्रिवन बाय द सन. द सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी ऑन अर्थ. तो देखो, हमारे अर्थ पर जितनी भी एनर्जी है उसका मेन सोर्स है सन, यानी कि सूरज. सनलाइट हीट्स द अर्थ बट इट डज नॉट हीट इट इवनली. देखो, हमने जब ज्योग्राफी में पढ़ा था चैप्टर अर्थ के बारे में, तो आपने उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा था कि अर्थ किस तरीके से अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है. इसके अलावा पूरी की पूरी अर्थ का जो सरफेस है वो सन के सामने नहीं है. कुछ सरफेस ऐसा है अर्थ का जो सन के बिल्कुल सामने है, तो कुछ ऐसा है जो दूरी पर है. तो हमारी अर्थ गर्म तो होती है, पर हर जगह से एक सी नहीं होती है, हर जगह से एक सी गर्म नहीं होती है, एक जैसा टेम्परेचर नहीं होता है. द एनर्जी विच इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस ऑफ द अर्थ, एटमॉस्फियर एंड सीज एंड ओशियंस डिटरमाइंस द वेदर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. अब हम बात करते हैं क्लाइमेट की. क्लाइमेट, जैसे कि अब गर्मियाँ हैं, तो ये पूरी की पूरी गर्मियाँ हैं. अब कितनी ज़्यादा गर्मी है, किस दिन कम गर्मी है, ये हो गया वेदर. पर गर्मियों का सीज़न है, पूरा का पूरा आपका विंटर का सीज़न है, मानसून सीज़न है, ये होते हैं आपके क्लाइमेट. द एवरेज वेदर कंडीशंस एट अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज रेफर टू एज द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस. तो लंबे समय तक जिस तरीके का मौसम बना रहता है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट. राजस्थान इज नोन टू हैव अ ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट, बेंगलुरु अ माइल्ड क्लाइमेट, कश्मीर अ स्नोई क्लाइमेट एंड चेन्नई अ ह्यूमिड क्लाइमेट. जैसे चेन्नई का मौसम हम बताएंगे, भाई नमी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिड क्लाइमेट है वहाँ का, ज़्यादातर टाइम वहाँ पे नमी रहती है. राजस्थान, बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, रेतीला एरिया है, तो हम वहाँ पे बोल देते हैं कि वो ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट है वहाँ का. तो लंबे समय तक जो कंटिन्यूशन में रहता है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट. हाउ वुड यू डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ द प्लेसेज वेयर यू लिव. तो आप बताइएगा कि आप किस एरिया में कहाँ रहते हैं और वहाँ का किस टाइप का क्लाइमेट है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स. सम प्लेसेज आर हॉट एंड ह्यूमिड वाइल अदर्स आर कोल्ड एंड आर कवर्ड विद स्नो मोस्ट ऑफ द ईयर. तो देखो, हम अगर पूरी विश्व का क्लाइमेट देखें, पूरी अर्थ का क्लाइमेट देखें, तो देखो अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें, वहाँ पर तो बर्फ जमी रहती है ज़्यादातर टाइम में. ओके, अगर हम बात करें टेम्परेट जोन की, तो मॉडरेट गर्मी रहती है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी. टॉरिड की बात करें, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है. तो अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप का क्लाइमेट रहता है. क्यों? क्योंकि भाई अर्थ अलग अलग तरीके से गर्म हो रही है. ओके, और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है ज़्यादातर समय, कुछ ऐसे एरिया है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड रहती है ज़्यादातर समय. द हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेज हैव अ ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट विद वाइल द स्नोई प्लेसेज हैव अ पोलर क्लाइमेट. दीज टू आर द मेजर क्लाइमेट्स ऑफ द अर्थ. देर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. अब क्लाइमेट किस चीज़ पर डिपेंड करता है, किस जगह पर कैसा क्लाइमेट होगा, ये कैसे डिसाइड होगा. तो ये डिसाइड होगा लैटीट्यूड, उसकी पोजीशन क्या है उस जगह की. ऑल्टीट्यूड, वो कितनी ऊंचाई पर है. ज़्यादा ऊंचाई पर होगी वो जगह तो ठंडी होगी, कम ऊंचाई पर होगी तो मॉडरेट होगी. डिस्टेंस फ्रॉम द सीस, वाटर बॉडी से कितनी दूरी है. ओशियन करंट्स कैसे हैं, वार्म ओशियन करंट्स हैं या कोल्ड ओशियन करंट्स हैं. एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड, हवा का डायरेक्शन किस तरफ है. नाउ क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन. तो देखो, क्लाइमेट के हिसाब से, मौसम के हिसाब से हमें अपने आप को अडेप्ट करना होता है. हम खुद को अडेप्ट करते हैं कपड़ों की हेल्प से. अब प्लांट्स हैं वो तो कपड़े खरीदने जाते नहीं हैं मॉल में,
तो वो कैसे खुद को अडेप्ट करते हैं, इसके अलावा एनिमल्स कैसे खुद को अडेप्ट करते हैं, तो मौसम के अनुसार खुद को ढालने को बोलते हैं अडेप्टेशन. फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यू कैन सी दैट द टाइप्स ऑफ क्लाइमेट फाउंड इन अ प्लेस इज डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन. द एनिमल्स फाउंड इन अ स्पेसिफिक रीजन हैज स्पेशल अडेप्टेशन टू हेल्प देम सर्वाइव देयर. तो हर जगह पर अलग क्लाइमेट होता है और उस हिसाब से वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं और वो खुद को उस माहौल के हिसाब से ढाल लेते हैं अपने सर्वाइवल के लिए. अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म डेवलप्स अ फिजिकल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक टू अलाउ इट टू बेटर सर्वाइव इन इट्स एनवायरमेंट इज कॉल्ड अडेप्टेशन. और इसी को हम बोलते हैं अडेप्टेशन, यानी कि माहौल के हिसाब से प्लांट्स एनिमल्स खुद को किस तरीके से ढालते हैं इसको बोलते हैं अडेप्टेशन. वी विल नाउ स्टडी अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द पोलर एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोलर रीजन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ज़्यादातर हिस्सा आपका बर्फ से ढका हुआ होता है. सो पोलर रीजन्स आर द एरिया कवर्ड विद स्नो अराउंड द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. तो आपको ये जो पोलर रीजन है आपका साउथ पोल और नॉर्थ पोल, जहाँ पर ज़्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है. द नदर्न पोलर रीजन इज कॉल्ड द आर्कटिक वाइल द सदर्न पोलर रीजन इज कॉल्ड एंटार्क्टिका. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो नॉर्दर्न पोलर रीजन है यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो पोल्स हो गए, नॉर्थ पोल पर हो गया नॉर्थ रीजन और साउथ पोल पर हो गया आपका साउथ रीजन. तो नॉर्थ रीजन को बोलते हैं नॉर्थ का जो पोलर रीजन है उसको बोलते हैं आर्कटिक और साउथ का जो पोलर रीजन है उसको बोलते हैं एंटार्क्टिका. पोल्स आर द कोल्डेस्ट विंडीएस्ट एंड ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ. तो जो पोल्स हैं सबसे ज़्यादा ठंडे हैं, सबसे ज़्यादा ड्राइनेस है वहाँ के क्लाइमेट में. द कोल्डेस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड हेयर वॉज अप्रॉक्सीमेटली -129 degrees Fahrenheit. ओहो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो गया यहाँ पर. तो फॉर 6 months द सन डज नॉट राइज एट द पोल्स एंड फॉर द अदर 6 months द सन डज नॉट सेट. होता क्या है, 6 महीने यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा रहता है, सूरज नहीं उगता है, सूरज की किरण तक नहीं पहुँचती है और 6 महीने सूरज डूबता नहीं है, यानी 6 महीने सिर्फ सूरज आपका दिखेगा. During the winters, the sun never rises here. When the sun does shine, it has very low intensity. Even in the summer, it really gets above freezing point. अब सर्दियाँ तो सर्दियाँ हैं, वहाँ तो सूरज चमकेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेगा सूरज, सन बिल्कुल भी शाइन नहीं करेगा. पर जब समर भी होते हैं तो समर में भी जो रेज जाती हैं सन की पोलर रीजन्स में वो बहुत कम जाती है और इतना ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पर गर्म नहीं हो पाता है. द क्लाइमेट्स ऑफ दीज प्लेसेस आर एक्सट्रीमली हार्श. The animals inhabiting these areas have developed a number of adaptations that help them to live and survive in such conditions. Let us look at some of them. इतनी सोच सकते हैं आप कि 6 महीने सूरज ही ना निकले, बर्फ से पूरा एरिया ढक जाए, तो वहाँ के एनिमल्स ने अपने आप को इस तरीके से ढाला कि वो इतनी ठंड में सर्वाइव कर पाएँ. उनमें से हम कुछ एनिमल्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि इन एनिमल्स ने खुद को किस तरीके से ढाला हुआ है कि ये इतनी हार्श कंडीशन में, इतनी दिक्कत भरी कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं. सो पोलर बियर, पोलर बियर्स लिव इन आइसी आर्कटिक एरियाज ऑफ अलास्का, कैनेडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे एंड रशिया. दे शो मैनी अडेप्टेशंस दैट इनेबल देम टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड एंड हार्श कंडीशंस. तो देखिए अब हम बात करेंगे पोलर बियर की. देखिए ये है पोलर बियर, इसकी बात करेंगे हम. अब हम देखेंगे कि इसने किस तरीके से खुद को ढाला हुआ है इतने ठंडे मौसम में बर्फ में रहने के लिए. इट हैज़ 2 thick layers ऑफ फर टू कीप इट वार्म ऑन लैंड. इसकी बॉडी पे 2 layers होती हैं फर की जो कि इसको गर्म रखती हैं. It has long hair between the pads on its feet. This helps to keep it warm and to walk on the ice. इसके अलावा इसके जो पैर होते हैं उन पर भी इसके बहुत बाल होते हैं, जिसकी वजह से इसके जो पैर होते हैं वो बिल्कुल गर्म रहते हैं और इसको आइस पे चलने में मदद मिलती है. A thick layer of fat called blubber is found under its skin that keeps it warm while swimming in icy cold water. तो ये स्विम भी कर सकता है पानी में और खुद को गर्म रखने के लिए इसके स्किन के नीचे होती है फैट की लेयर, तो वो फैट की लेयर इसको गर्म रखती है.
अडेप्टेशन फॉर हंटिंग प्रे एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स। अब देखिए, इसको खाना तो चाहिए जीने के लिए, और ऐसे भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनका ये खुद खाना है। तो उन शिकार कैसे करता है, कैसे अपना खाना खोजता है, इसके अलावा ये ऐसे जानवरों से कैसे खुद को बचाता है जो कि इसका शिकार कर सकते हैं। द वाइट कलर ऑफ द फर कैमोफ्लेज इट अगेंस्ट द स्नो। इट इज़ दस एबल टू स्नीक अप क्लोज टू द सील्स एंड हंट देम। देखो, सबसे पहले तो इसका कलर देखो, इसका कलर बिल्कुल वाइट है, और जब ये बर्फ़ में छुपा रहेगा तो इसको देखना आसान नहीं है, क्योंकि बर्फ़ का कलर भी सफ़ेद और इसका कलर भी सफ़ेद। तो इसको आसानी होती है सील जो मछली होती है उसका शिकार करने में। देर आर फाइव वेरी शार्प क्लॉज ऑन ईच फूट फॉर ग्रेस्पिंग द आइस एंड इट्स प्रे। इसके अलावा इसके जो क्लॉज हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत पहने होते हैं, जिनसे ये अपने प्रे को पकड़ता है। इट कैन स्मेल इट्स प्रे फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस। द पोलर बियर फाइंड्स द सील्स ब्रीदिंग होल्स इन द आइस एंड वेट्स पेशेंटली। इसके अलावा इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, अच्छा खासा डिस्टेंस पर भी ये अपने शिकार यानी सील को सूंघ लेता है। When the seal pokes its head out of the hole, the bear quickly snatches the seal. तो जैसे ही सील ऊपर आती है सांस लेने के लिए, ये उसको पकड़ लेता है। The polar bear's sharp and big teeth help in tearing its prey apart. Now adaptation for staying in water. पानी में रहने के लिए, भाई हमने जैसे पढ़ा था कि ये स्विम कर सकता है, तो उसके लिए इसने खुद को अब कैसे अडेप्ट किया। तो इट हैज़ अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी दैट हेल्प्स इट टू स्विम वेल। इसकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी है जिसकी वजह से इसको तैरने में आसानी होती है। द पोलर बियर हैज स्टिफ हेयर ऑन इट्स फ्रंट लेग्स एंड वेरी ब्रॉड फ्रंट फीट टू हेल्प इट टू स्विम। तो इसके जो फ्रंट लेग होते हैं और ब्रॉड इसके जो फीट हैं वो इसको मदद करते हैं तैरने के लिए। द हिंड लेग्स आर held flat and are used as rudders. It can close its nostrils and remain underwater for long periods of time. इसके अलावा ये काफ़ी लंबे समय तक पानी में रह सकता है अपने nostrils को बंद करके, यानी कि बिना सांस के काफ़ी time तक पानी में survive कर सकता है। ये activity है how blubber works, यानी कि इसके body के skin के नीचे जो fat की layer है वो इसको कैसे help करती है गर्म रखने के लिए। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, शो किया गया है दैट हाउ ब्लबर वर्क्स। तो इसको आप करिएगा, इस एक्टिविटी को आप खुद करिएगा। नाउ पेंगुइन पर्सनली मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है, ये देखिए बड़ा ही अच्छा सा है, और इसको यूट्यूब पर देखिएगा चलते हुए, बड़ा ही क्यूट लगता है ये, यूं ऐसे ऐसे करके चलता है, तो काफ़ी अच्छा है। सो पेंगुइन्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन द आइसी वाटर ऑफ एंटार्क्टिका। सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं ये बर्फ के पानी में। दे शो अ नंबर ऑफ अडेप्टेशंस एज डिटेल्ड बिलो टू सर्वाइव इन सच कोल्ड क्लाइमेट्स। अडेप्टेशंस फॉर सर्वाइविंग द कोल्ड। द पेंगुइन्स फेदर आर डेंसली पैक्ड। इट हैज़ अ लेयर ऑफ ब्लबर अंडर द स्किन टू कीप इट वार्म इन द सी। इसके भी बॉडी पर ब्लबर की अच्छी खासी लेयर होती है, तो अच्छी चीज़ है ये, तो फैट है तो इसको गर्म रखते हैं, ठीक है, जो फैट है वो इसकी बॉडी को गर्म करके रखता है। पेंगुइन्स हडल टुगेदर, दे हेल्प कीप देम वार्म। इसके अलावा ये ग्रुप में रहते हैं, उसकी वजह से भी ये एक दूसरे को हीट करते रहते हैं, बिल्कुल ग्रुप में पास रहकर भी ये खुद को हीट करते हैं। नाउ अडेप्टेशंस फॉर हंटिंग प्रे एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स। A penguin's body is white on the front, which camouflages it with the lighter surface of the sea, while it is black on the back to blend it with the darker sea depth. तो देखो जरा, इसके पास तो दो दो कलर हैं बचने के लिए, छुपने के लिए। आगे का कलर देखिए, आगे का कलर इसका वाइट है, आगे का कलर इसका बिल्कुल वाइट होता है, जिससे ये बर्फ में नजर नहीं आता। दूसरा इसका जो बैक पोर्शन होता है वो ब्लैक कलर का होता है, देखिए ये पीछे आपको दिखेगा, ये पीछे ब्लैक कलर का होता है, इसकी हेल्प से जब ये पानी के अंदर चला जाता है तो दिखता नहीं है। दे लव टू लिव इन कम्युनिटीज विच ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स सच एज द वॉलरस और सी लॉयन। इसके अलावा ये कम्युनिटीज़ यानी कि ग्रुप में रहते हैं, तो ग्रुप में रहने की वजह से भी ये एनिमीज से, अपने प्रीडेटर्स से बच जाते हैं।
Now, adaptation for staying in water. A streamlined body, paddle-like feet, and wing-shaped flipper help the penguin to swim through the water at a speed of up to 15 miles per hour. At such high speeds, they seem to be flying through the water. बहुत तेज़ तैरती हैं, ये ऐसा लगता है जैसे पानी में उड़ रही हैं. ओके, तो बहुत तेज़ तैरती हैं. इनके जो फीट होते हैं वो पैडल जैसे होते हैं और बड़ी जल्दी 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 ये उनको फ्लैप करके स्विम करती हैं. हैवी एंड सॉलिड बोन्स मेक पेंगुइन्स हेवियर. ये बहुत भारी होती हैं क्योंकि इनकी बोन्स बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं. विच हेल्प देम टू डाइव अंडर वाटर फॉर फूड. इसीलिए ये पानी की बहुत गहराई तक जाती हैं अपने खाने के लिए. अ पेंगुइन हैज़ एन एक्सट्रीमली गुड सेंस ऑफ विजन स्पेशली अंडर वाटर. पानी में बहुत अच्छा देख सकती हैं. पानी में जब ये होती हैं तो इनकी विजन काफ़ी अच्छा वर्क करती है, यानी बहुत अच्छे से ये चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकती हैं, देख सकती हैं. इट कैन ड्रिंक सॉल्टी वाटर. देखो ये तो सबसे अच्छी बात है कि ये सॉल्टी वाटर को भी पी सकती हैं. इट हैज़ आमंड शेप्ड ग्लैंड्स अबव द आईज दैट हेल्प इट टू फिल्टर आउट द एक्सेस सॉल्ट. इनका एक आलमंड शेप का ग्लैंड होता है आईज के ऊपर, जिससे वो जो पानी सॉल्टी पानी पीती हैं ना, वो उसमें से एक्स्ट्रा सॉल्ट बाहर हो जाता है. पेंगुइन पेयर्स शेयर देयर ड्यूटीज. द फीमेल पेंगुइन बिल्ड्स अ नेस्ट एंड लेज एन एग व्हाइल द मेल हंट्स एंड ईट्स. तो इसमें ये लोग काम भी बांट लेते हैं जब ग्रुप में रहते हैं. जो फीमेल पेंगुइन होती है उसका काम होता है नेस्ट बनाना और अंडे देना, और जो मेल पेंगुइन होता है उसका काम होता है हंटिंग करना. व्हेन द फीमेल हंट्स एंड ईट द मेल हैचेज द एग. वंस द एग इज हैच्ड बोथ पेरेंट्स कलेक्ट फूड एंड फीड द यंग वन. जब अंडे से पेंगुइन बाहर आ जाते हैं, उनके बच्चे बाहर आ जाते हैं, यंग वंस बाहर आ जाते हैं, तो फिर दोनों का काम होता है उसकी केयर करना. अ पेंगुइन कैन पिक इट्स ओन बेबी आउट ऑफ अ क्राउड ऑफ थाउजेंड्स टू फीड इट. अदर एनिमल्स विच इनहैबिट द पोलर रीजन्स आर रेनडियर, वॉलरस, सील, कैरिबो, मस्कॉस्क, फिश एंड बर्ड. नाउ माइग्रेशन. माइग्रेशन होता है जब एनिमल्स बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं मौसम के अनुसार. तो इसको, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं माइग्रेशन. जैसे कुछ एनिमल्स हैं वो विंटर सीजन टॉलरेट नहीं कर सकते, तो अगर उनके एरिया में जहाँ पर वो हैं वहाँ पर विंटर सीजन है, तो उस विंटर सीजन से बचने के लिए वो ऐसे एरिया में चले जाएंगे जहाँ पर समर हो. ओके, तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं माइग्रेशन. द सीजनल मूवमेंट ऑफ द कंप्लीट पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर इज टर्म्ड माइग्रेशन. इट इज़ यूजुअली अ रेस्पॉन्स टू द चेंजेस इन टेम्परेचर, फूड सप्लाई और द अमाउंट ऑफ डे लाइट एंड इज यूजुअली अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ ब्रीडिंग. अब ये माइग्रेशन किसी भी पर्पज से हो सकता है. ये ब्रीडिंग के पर्पज से हो सकता है. ब्रीडिंग मतलब जब अंडे वगैरह देने होते हैं, ठीक है, तो जब वो वाला सीज़न होता है तो ये माइग्रेट करते हैं. खाने की कमी हो जाए तो भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. मौसम इनके अनुसार ना हो तो ये चले जाते हैं. तो इस टाइप के मूवमेंट के लिए ये लोग माइग्रेशन करते हैं. मैमल्स, इंसेक्ट्स, फिश एंड ऑल बर्ड्स एंड बर्ड्स ऑल माइग्रेट टू द प्लेसेस वेयर दे गेट फेवरेबल कंडीशंस. और ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर इन्हें अपनी पसंद की कंडीशंस मिल पाएँ. द साइबेरियन क्रेन्स माइग्रेट फ्रॉम रशिया टू इंडिया एज द विंटर अप्रोच. द माइग्रेशन रूट स्ट्रेचेस फॉर 4000 माइल्स. तो सोचिए साइबेरियन क्रेन कितना लंबा सफ़र तय करती है. नॉ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. मोस्ट रेन फॉरेस्ट लाई बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आपको ज़्यादातर रेन फॉरेस्ट मिलेंगे. दिस इज वाई दे आर ऑफन कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इसलिए इनको बोला जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. द रेन फॉरेस्ट हैव अ वेरी वेट क्लाइमेट एंड दैट इज वाई दे आर नेम्ड सो. द टोटल रेनफॉल इन अ ईयर रेंजेस बिटवीन 1500 टू 2500 mm विद नो ड्राई सीजन एट ऑल. तो देखो अच्छी खासी बारिश पड़ जाती है यहाँ पर. इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे. मतलब यहाँ पर इतनी बारिश होती है कि लगभग लगभग हर दिन बारिश होती है, डेली बारिश होती है. द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे इज बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस वाइल एट नाइट इट इज़ बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस एंड टू 25 डिग्री सेल्सियस.
ड्यू टू द कंटिन्यूस रेनफॉल द रेन फॉरेस्ट इज फिल्ड विद लश ग्रीन वेजिटेशन. अब आप खुद सोचिए, मानसून सीजन याद करिए जब इंडिया में होता है, जो मानसून सीजन आता है, बारिश पड़ती है तो हर जगह ग्रीनरी होती है. तो जब यहाँ पर लगातार बारिश पड़ती होगी तो यहाँ भी अच्छी खासी ग्रीनरी बनी रहती है. द क्लाइमेट इज़ वेरी ह्यूमिड ड्यू टू द वार्म सनलाइट रेन एंड द कैनोपीज ऑफ द ट्रीज. द रेन फॉरेस्ट आर होम टू अ वास्ट वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स बिकॉज दे डू नॉट हैव टू वरी अबाउट लुकिंग फॉर शेड इन समर्स एंड नॉर दे हैव टू वरी अबाउट अवॉइडिंग द फ्रीजिंग कंडीशंस इन विंटर. फूड इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी एंड देयर इज इनफ वाटर टू ड्रिंक. तो ऐसे रेन फॉरेस्ट में आपको बहुत सारे एनिमल्स मिलेंगे, बहुत सारी बर्ड्स देखने को मिलेंगी, बहुत सारी प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी. ऐसा इसलिए जब घने जंगल होंगे, वेजिटेशन अच्छा होगा, तो उन्हें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है जानवरों को और बर्ड्स को. भाई एनिमल्स और बर्ड्स को खाना भी मिलेगा प्रॉपर जब वेजिटेशन अच्छा होगा. इसके अलावा रहने के लिए भी जगह मिलेगी. ओके, गर्मियाँ होंगी तो छाया भी मिलेगी इतने सारे पेड़ों में, और सर्दियों में ठंड की भी टेंशन बिल्कुल नहीं है. एज देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स लिविंग इन अ रेन फॉरेस्ट देयर इज़ अ फियर्स कॉम्पिटिशन फॉर फूड वाटर एंड शेल्टर. देन हाउ डू दे ऑल सर्वाइव टुगेदर? दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द अडेप्टेशंस दैट द डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स शो. लेट अस स्टडी अ फ्यू ऑफ देम. तो रेन फॉरेस्ट में भी जितने आपको एनिमल्स और बर्ड्स मिलेंगे, इन्होंने भी खुद को अडेप्ट किया हुआ है मौसम के अनुसार, वहाँ के एनवायरमेंट के अनुसार. तो चलिए देखते हैं कुछ एनिमल्स और कुछ बर्ड्स की यहाँ पर हम बात करेंगे. सो टोकन, हैव यू एवर सीन अ टोकन बर्ड? देखिए ज़रा, ये है आपकी टोकन बर्ड. सो टोकन हैव द फॉलोइंग अडेप्टेशंस दैट हेल्प देम टू सर्वाइव. तो देखिए ज़रा, इसके कलर बड़े ही अट्रैक्टिव से होते हैं. ये देखिए, ये यहाँ पर आपको येलो कलर की एक्टिविटी है आपके लिए. यहाँ पर येलो कलर फिल करिएगा, यहाँ ग्रीन कलर, यहाँ ब्लैक कलर, इसके ब्लू कलर, यहाँ रेड कलर. तो ये सारे कलर्स आपको इस पिक्चर में फिल करने हैं. अब देखते हैं कि इसने खुद को किस तरीके से ढाला हुआ है एनवायरनमेंट के अनुसार. अ टोकन हैज़ अ बिग एंड लॉन्ग बीक दैट इनेबल्स इट टू ईट फ्रूट्स एंड नट्स विच आर नॉट एसेसिबल टू अदर एनिमल्स. द लार्ज बीक हेल्प्स इट टू हंट इंसेक्ट्स एंड स्मॉल रेप्टाइल्स. तो देखिए ज़रा, इसकी सबसे पहले आप बीक पर ही ध्यान दे लीजिए, जो सबसे बड़ी सी दिख रही है. देखिए कितनी तेज़ है, पैनी है, बड़ी है, जिससे ये इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स को खा लेती है. दूसरी बात, फ्रूट्स और नट्स को भी ये खाती है. टोकन्स हैव फोर क्लॉज इन ईच लेग, टू इन फ्रंट एंड टू एट द बैक. दिस हेल्प्स देम टू पर्च ऑन ट्रीज व्हाइल लुकिंग फॉर फूड. इसके अलावा इसके ज़रा ये देखिए, देख रहे हैं? ओके, ये भी इसकी मदद करते हैं पेड़ों पे अपनी पकड़ बनाने के लिए, जब ये खाना खा रही होती है, फूड के लिए देख रही होती है. ओके, तो अच्छी खासी ग्रिप बनाने के काम में आते हैं इसके जो क्लॉज होते हैं, जो इसके ये क्लॉज होते हैं ना, ये काम में आते हैं पेड़ को अच्छे से ग्रिप करने के लिए. टोकन्स ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू कैमोफ्लेज देमसेल्व्स विद द सराउंडिंग्स टू अवॉइड प्रीडेटर्स एंड नाउ मकाउज. द मकाउ इज अनदर बर्ड फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट. तो मकाउ एक दूसरी और बर्ड है जो कि आपको रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलेगी. द मकाउ मोस्टली थ्राइव्स ऑन फ्रूट्स एंड नट्स. तो ज़्यादातर ये नट्स और फ्रूट्स पर ही डिपेंड होती है. इट्स हुक्ड बीक इज परफेक्ट फॉर ब्रेकिंग नट्स. इसकी जो हुक टाइप की चोंच होती है, उससे आसानी से ये नट की जो कवरिंग होती है उसको तोड़ लेती है और उसमें से नट निकाल लेती है. द बीक इज़ अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रीडेटर्स सच एज स्नेक्स एंड बर्ड्स ऑफ प्रे. इसके अलावा इसकी जो चोंच होती है वो इसको इसके शिकारियों से भी बचाती है, जो इसका शिकार करते हैं, जैसे कि स्नेक हुआ, बर्ड्स हुई. नाउ लॉयन टेल्ड मकैक्स. लॉयन टेल्ड मकैक्स आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स ऑन ट्री टॉप्स वेयर दे फील सेफ. तो ये ज़्यादातर पेड़ पे सबसे ऊपर जाकर बैठते हैं. ओके, क्योंकि ये नया लगता है कि हम वहाँ पर सेफ हैं. दे रिजेंबल लॉयंस एंड हैंस गॉट द नेम. तो ये बिल्कुल लॉयन जैसे लगते हैं, देखिए ज़रा, इसलिए इनको लॉयन टेल्ड मकैक बोला जाता है. दे आर ओमनीवोरस एंड ईट फ्रूट्स नट्स सीड्स लीव्स एंड इंसेक्ट. तो देखिए, ये बिल्कुल बेचारे सीधे से हैं, ओमनीवोरस हैं. ओके, इंसेक्ट्स खाते हैं, लीव्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं.
दे लिव इन ग्रुप्स दैट हेल्प देम टू गार्ड अगेंस्ट डेंजर. इसके अलावा ये ग्रुप में रहते हैं जिससे कोई खतरा आए तो ये खुद को बचा पाएं. दे हैव मैनी वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग विद वन अनदर. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ जेस्चर्स, ग्रोल्स एंड स्क्रीम्स. इसके अलावा ये एक दूसरे से संपर्क साधते हैं, कम्युनिकेट करते हैं चीख कर, चिल्ला कर, स्क्रीम करके, अपनी आवाज़ निकाल के. दिस कम्युनिकेशन हेल्प्स देम टू वॉर्न ईच अदर ऑफ द फोर्थ कमिंग डेंजर. और ये ऐसी आवाज़ें तब निकालते हैं जब इन्हें कोई खतरा महसूस होता है. ना मंकीज़, ये सबने देखे हैं अपने कॉलोनी में, अपने घर के आसपास. मैनी टाइप्स ऑफ मंकीज़ लिव इन द रेन फॉरेस्ट. मोस्ट मंकीज़ हैव अ वेरी लॉन्ग टेल विच इनेबल्स देम टू ग्रास्प द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज और होल्ड ऑब्जेक्ट्स. तो इनकी काफ़ी लंबी लंबी पूंछ होती है जो कि इनको मदद करती है चीज़ों को पकड़ने में और पेड़ों पर ग्रिप बनाने के लिए. सच अ टेल इज कॉल्ड अ प्रीहेंसाइल टेल. दिस मेक्स द हैंड्स ऑफ अ मंकी फ्री टू हैंडल अदर थिंग्स. तो जब ये पेड़ से या किसी चीज़ से ग्रिप बनाते हैं अपनी पूंछ से, टेल से, तो इनके हाथ बिल्कुल फ्री हो जाते हैं बाकी किसी भी चीज़ को हैंडल करने के लिए. द फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स ऑफ दीज एनिमल्स आर ऑल्सो वेरी लॉन्ग एंड दिस हेल्प देम टू स्विंग फ्रॉम ट्री टू ट्रीज. के अलावा इनके जो हाथ होते हैं, मतलब आगे के जो हाथ होते हैं, पीछे के जो पैर होते हैं, उनसे बड़ी वो बहुत लंबे होते हैं. ओके, काफ़ी लेंदी होते हैं जिससे इनको मदद मिलती है एक ट्री से दूसरी ट्री पे जाने के लिए. नाउ एलिफेंट्स. एलिफेंट्स आर अडेप्टेड टू लिव इन डेंस फॉरेस्ट. देयर टस्क्स आर स्ट्रेट एज कर्व्ड वंस माइट गेट कॉट इन द ब्रांचेस and vines of the forest. They possesses large ears which they flap to create a cooling effect. तो आपने देखा होगा ऐसे हाथी ना अपने कान को यूं यूं करते हैं. क्यों करते हैं? खुद को कूल रखने के लिए, खुद को ठंडा रखने के लिए. As elephant uses its trunk to drink water, pick up food and communicate with others of its species by making low pitched sound. बहुत अच्छी सी sound, धीमी सी sound निकाल के ये एक दूसरे से communicate करते हैं. इसके अलावा इनका जो ये ट्रंक होता है, ये इनको मदद करता है चीज़ों को उठाने में, उठाकर मुंह तक पहुंचाने में, पानी भी पीने में. नाउ पॉइजन एरो फ्रॉग. द पॉइजन एरो फ्रॉग्स आर ब्रिलियंटली कलर्ड. दे हैव स्पेशल पॉइजन ग्लैंड्स इन देयर स्किन दैट सीक्रेट अ डेडली पॉइजन, प्रोबेबली बिकॉज दे ईट पॉइजनस एंट्स. तो इनकी जो स्किन होती है उस पर ग्लैंड्स होते हैं और इन ग्लैंड से बहुत जहर निकलता है, पॉइजनस सब्सटेंस निकलता है. और शायद ये इसलिए निकलता है, इनके बॉडी में जहर इसलिए होता है क्योंकि ये जहरीली आंट्स खाते हैं. दिस मेक्स देयर एनिमी स्टे अवे फ्रॉम देम. अब भाई किसी के अंदर जहर है तो कोई उसके पास तो आएगा नहीं, तो इससे ये अपने दुश्मनों से बचकर रहते हैं. मतलब दुश्मन इनसे बचकर रहते हैं, दुश्मन इनसे अलग रहते हैं. द पॉइजन ऑफ अ फ्रॉग कैन किल अबाउट 100 पीपल. Native people use this poison at the tip of their arrows. This is how this frog got this name. तो उनके जो आसपास के लोग होते हैं जहाँ पर ये frog मिलता है, तो वो क्या करते थे कि अपने एरो के ऊपर इसका जहर लगाते थे और फिर उस एरो को चलाते थे, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया poison arrow frog. They also have sucker-like toes that help them to climb up trees. इसके अलावा ये tree पर भी climb कर सकते हैं. The rainforests are home to other animals such as sloths, boa constrictors, tigers, lions, leopards, snakes, lizards and many types of birds and insects. These animals are capable of camouflage. They have a skin color that merges with the surroundings, thereby making them invisible to the predators. देखो rainforest में और भी बहुत सारे आपको animals मिल सकते हैं, birds मिल सकते हैं, जैसे कि sloth, tiger, lions, leopards, और इन सब में कुछ ना कुछ ऐसी खासियत होती है जिससे ये उस माहौल में उस जगह पर सर्वाइव कर लेते हैं. किसी का कलर ऐसा होगा जिससे वो खुद को छुपा ले, कोई ट्री पर क्लाइंब कर सकता है, कोई अच्छा ऊंचाई पर उड़ सकता है, तो किसी की बॉडी के अंदर जहर है. The keen eyesight and sharp sense of hearing help them in their hunt for food and protect them from being hunted. तो इसके अलावा देखने की शक्ति किसी की बहुत अच्छी है, अच्छी खासी आईसाइट है, किसी की सूंघने की कैपेबिलिटी अच्छी है, तो सूंघ कर, देख कर, है ना, इन चीज़ों से भी ये अंदाज़ा लगाते हैं अपने खतरे का और खुद को उस खतरे से बचा लेते हैं और एक दूसरे को वॉर्न भी करते हैं आवाज़ें निकाल कर. नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद द चैप्टर. सून यू विल बी प्रोवाइडेड विद एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप.
क्वेश्चन आंसर्स आप लोग खुद करिएगा. देखिए, डिस्कस सम अडेप्टेशंस शोन बाय पोलर बियर्स. तो पोलर बियर्स ने खुद को कैसे अडेप्ट किया हुआ है, हमने अभी पढ़ा था. हाउ डज अ पेंगुइन गेट रिड ऑफ द एक्सेस सॉल्ट इन इट्स बॉडी. जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो पेंगुइन है वो सॉल्टी वाटर भी कंज्यूम कर सकती है, पर एक्स्ट्रा सॉल्ट को उसमें से हटा देती है. कैसे हटा देती है, ये आप दोबारा रीड करके देखेंगे. रीड करके नहीं देख पाए तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन, बाय बाय.